हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में दो कारों में कंपेयर करेंगे और जानेंगे इनके प्राइस में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर क्विड क्लैम्बर टॉप मॉडल है और वहीं पर आल्टो K10 VXi प्लस टॉप मॉडल है, तो दोनों ही टॉप मॉडल हैं। प्राइस का जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम कीमत में इसमें 55,000 रुपये का डिफरेंस आपको दोनों की कारों की कीमत में देखने को मिलेगा। और सबसे पहले रिनॉल्ट का यहाँ पर लोगो मिल जाएगा आपको और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे की साइड में LED DRL मिल जाएंगे और हेलोजन हेडलैम्प यहाँ पर आपको और ये जो है एडजस्टेबल वाले देखने के लिए मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm का मिलेगा। फ्रंट बम्पर डुअल टोन में ये आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट कलर का वर्क भी इस पे हुआ हुआ है तो काफ़ी प्रीमियम लुक आता है फ्रंट से देखते हैं। मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर, जाली मिल जाएगी, K10 नीचे लिखा हुआ है, जो नंबर प्लेट लगेगी वो है यहाँ पर, इंडिकेटर, हेलोजन हेडलैम्प जो एडजस्टेबल वाले हैं, अप डाउन हो सकते हैं, फ्रंट का बम्पर डुअल टोन में आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का यहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो जैसे छोटी कार है तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको देखने को मिल जाता है। और इस कार के टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी प्रीमियम लुक आता है, रिनॉल्ट का लोगो है व्हील पर और डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलते हैं। ऊपर की साइड में आपको वाइपर देखने के लिए मिल जाएगा, एक वाइपर इस कार में मिलता है। रियर व्यू मिरर पर इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है टॉप मॉडल है तो इसलिए मिल जाता है। ऊपर की साइड में रूफ रेल और पावर एंटीना मिल जाएगा और डुअल टोन में ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से ऊपर की साइड में देखेंगे तो दो वाइपर यहाँ पर मिल जाएंगे, इस लेवल की छोटी कारों में एक ही वाइपर मिलता है, इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर एलॉय व्हील नहीं मिलते, सिंपल व्हील मिलते हैं और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे, व्हील कवर मिल जाएंगे। यहाँ पर डुअल टोन में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग ही एक लुक देता है कि यहाँ पर ग्रे पे ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल अलग हो जाता है। ये एसेसरी अलग से आपको लगवानी पड़ेगी। यहाँ पर पावर एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल देखें तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। डिमेंशन कैपेसिटी की बात करें तो लेंथ इसकी 3731 mm है, वेट 1579 mm, हाइट 1490 mm और इसमें आपको 5 लोगों के बैठने की सीट मिलेगी, 5 डोर मिल जाते हैं। तो ये कुछ साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm का देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं तो 3530 mm की लेंथ इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वेट 1490 mm की मिलती है और हाइट 1520 mm की आपको देखने को मिलेगी। 5 लोगों के बैठने की सीट है और 5 ही डोर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। व्हील बेस इसमें 2380 mm के देखने को मिल जाते हैं। क्लैश एंट्री के साथ में डोर को ओपन करते हैं और डुअल टोन में डोर दिखाई देगा और डोर को यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से गेट को खोलते हैं और कुछ यहाँ पर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। बोनेट ओपन करते हैं तो यहाँ से हो जाता है, ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर और ये रियर व्यू मिरर को सेट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर की लगती है तो की लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं। एसी वेंट मिल जाते हैं, लाइटों को जलाने की प्रोफाइल मिल जाती है, 3 पैंडल नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से लाइट जला सकते हैं, इंडिकेटर जला सकते हैं और यहाँ से वाइपर चला सकते हैं, रिनॉल्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको ग्लव कंपार्टमेंट में टच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर और डिजिटल ऑटोमीटर जैसे फंक्शन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको लो फ्यूल वार्निंग की लाइट भी मिल जाती है, ये आप देख रहे हैं रिनॉल्ट का लोगो, एयरबैग, हॉर्न और इधर से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से म्यूज़िक सिस्टम को चला सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छी है। लेदर स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पर 2 AC वेंट आपको मिलते हैं, टच स्क्रीन सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8 इंच का, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले इसमें मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो ये सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा। और स्पीकर इसके फ्रंट में ही मिल जाते हैं, यहाँ से 4 इंडिकेटर को एक साथ जलाया जा सकता है, तो ये सारा सिस्टम मिलता है, यहाँ से लॉक अनलॉक किया जा सकता है। यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में। एसी और हीटर का पूरा सिस्टम ये देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर मिलेगा और यहाँ पर जो है USB ऑक्सिलरी इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ स्पेस, कप होल्डर, गियर लीवर, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक में दिखता है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, सीट बेल्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और सीटें भी डुअल टोन में मिलेंगी। डे नाइट वाला मिरर मिल जाता है, यहाँ से लाइट जला सकते हैं, सनवाइजर कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है और ये सनवाइजर, एक सनवाइजर पर ही वैनिटी मिरर मिलता है और यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। पूरा काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है
और कुछ इस टाइप की प्रोफाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है अंदर से कार, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम दूसरे वाले डोर पर देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ से कीलेस एंट्री भी इस कार के अंदर मिलती है, डोर पर ओपन कर लेते हैं कीलेस एंट्री से और डोर भी डुअल टोन में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर डोर पर ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा, ब्लैक ऑरेंज का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, कुछ स्पेस इसमें और बोतल होल्डर स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर गेट पर आपको देखने को मिल जाएगा। सीट प्रोफाइल की बात करें, एडजस्टेबल सीट आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलते। और यहाँ पर नीचे की साइड में देखें तो तीन पैंडल मिलते हैं और यहाँ पर जो है बोनेट ओपन करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से लाइटों को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ नहीं है यहाँ पर, और ऊपर की साइड में एसी वेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे अच्छे फीचर्स हैं। की का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर एडजस्टेबल वाला स्टीयरिंग नहीं मिलता। और यहीं पर देखेंगे तो यहाँ से लाइटों को आप जला सकते हैं और इंडिकेटर को जला सकते हैं, इधर से बाइपर चला सकते हैं। और स्टेयरिंग की बात की जाए तो डुअल टोन में स्टेयरिंग, मारुति सुजुकी का लोगो, एयरबैग और यहाँ से म्यूजिक सिस्टम चला सकते हैं, वॉइस कंट्रोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ग्लव कंपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर डिजिटल क्लॉक और डिजिटल ऑटोमीटर जैसे फंक्शन मिल जाते हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है और इसमें आपको लो फ्यूल वार्निंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर दो एसी वेंट आपको देखने को मिलेंगे, 7 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर आपको टच स्क्रीन वाला देखने को मिल जाएगा और इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। और नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आप पावर विंडो का फ्रंट के ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाते हैं। एसी और हीटर का पूरा सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की साइड में 12 वोल्ट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा, यूएसबी कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, 12 वोल्ट चार्जर, यूएसबी एंड ऑक्सिलरी इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर कुछ स्पेस, बोतल होल्डर और यहाँ पर गियर लीवर के चारों तरफ आपको डुअल टोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। गियर लीवर 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स में यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन में ये देखने को मिलता है। और पीछे की साइड में हैंड ब्रेक, यहाँ से सीट बेल्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मिरर मिल जाता है, यहाँ पर लाइटें और यहाँ पर सन वाइज़र मिल जाता है, यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं मिलता सन वाइज़र पर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ हैंडल मिल जाते हैं पकड़कर बैठने के लिए और ये इधर की साइड में नहीं मिलता। और अब हम देखेंगे फ्रंट में चलकर, और यहाँ पर आप मिरर, रियर व्यू मिरर जो हैं ये मैनुअल तरीके से इनको सेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्ड वाले और इलेक्ट्रिक सेट नहीं कर सकते आप। यहाँ पर ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले तो आप देख लो टायर प्रोफाइल कुछ ऐसी है जैसी दूसरी साइड में, ऐसी इधर साइड में सीएट के यहाँ पर टायर हैं, रियर व्यू मिरर पर इंडिकेटर है, कीलेस एंट्री है और ये कुछ रूफ रेल इस टाइप से आपको ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है। क्रैम्बर लिखा हुआ है पीछे की साइड में और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सेम चीज़ यहाँ पर वही मिलेगी जो दूसरे वाले डोर पर हमें मिलती है, डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, यहाँ से ओपन करने के लिए गेट को, और ये सारी वही प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पर एसी वेंट मिल जाता है, क्यूड लिखा हुआ है, एयरबैग मिल जाता है और ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक ठाक बड़ा ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सीट प्रोफाइल देखें तो आगे पीछे इसको कर सकते हैं, और सीट प्रोफाइल की बात करें तो डुअल टोन में ही दिखती हैं ये सीटें और काफ़ी अच्छी है, ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अंदर की प्रोफाइल कुछ इस टाइप से मैंने आपको दिखाई और काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पर आता है, पूरा डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से सिंगल टोन में दिखाई देगा, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसको ये ओपन हुई नहीं, मैंने प्रेस किया था बटन, तो यहाँ पर इसमें जो है की लगानी पड़ेगी कार के अंदर, तब की को ऑन करने के बाद तब ये टच स्क्रीन सिस्टम ऑन होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ पर, तो ये कुछ इस टाइप से पूरी प्रोफाइल दिखती है। यहाँ से फ्रंट से देखते हैं तो इंडिकेटर मिल जाता है और इसके टायरों की प्रोफाइल कुछ ऐसी है, रियर व्यू मिरर पर डुअल टोन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर गेट पर भी आप देख रहे हैं तो डुअल टोन का पूरा कॉम्बिनेशन है, गेट दोनों बिल्कुल सेम है, जो ड्राइवर गेट है और पैसेंजर गेट दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ पर एसी वेंट मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं, दो एयरबैग इसमें मिल जाते हैं, तो फ्रंट में एयरबैग भी मिलता है और ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और पूरा डुअल टोन में ही आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी प्रीमियम लुक आता है। और सीट प्रोफाइल की बात करें तो हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है, सीट बेल्ट यहाँ पर मिल जाती है और एडजस्टेबल सीटें हैं दोनों फ्रंट वाली, आप ये देख सकते हैं। तो इसको कर देते हैं बंद, ये अब हम पीछे वाले डोर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं गेट को और ये कुछ इस टाइप से पूरा गेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रीमियम लुक आता है यहाँ पर, और पीछे की सीट प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा है। पीछे वाले जो एलॉय व्हील हैं इनके अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे।
और यहाँ पर जो लाइट प्रोफाइल है तो कुछ इस टाइप से लाइट प्रोफाइल इंडिकेटर मिल जाता है। एक इसमें लैंप मिलता है, नीचे रेनॉल्ट लिखा हुआ है और ये आप देख रहे हैं तो काफ़ी प्रीमियम लुक आता है। यहाँ पर क्विड लिखा हुआ है, रेनॉल्ट का लोगो है, कैमरा है, वाइपर यहाँ नहीं है, डिफोगर नहीं है। तो ये प्रोफाइल कुछ ऐसी है, यहाँ पर एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है और रूफ कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप जो है डैशबोर्ड यहाँ पर आपका लग जाएगा, यहाँ पर एक चार्जर मिल जाता है। तो इसके अंदर 279 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस इस कार के अंदर मिलता है। पीछे का जो बम्पर है ये डुअल टोन में आपको देखने को मिलेगा और इस पर आपको वाइट कलर का वर्क भी देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें रियर पार्किंग सेंसर नहीं मिलते, तो ये सैरी प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। पीछे की साइड में ग्रिल भी देखने को मिल जाएगी, क्रोम ग्रिल। लाइट प्रोफाइल कुछ ऐसी है, क्लैम्बर लिखा हुआ है। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर आपको फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 28 लीटर का फ्यूल टैंक इस कार के अंदर मिल जाता है और माइलेज देती है 21.46 किलोमीटर का एरिया माइलेज दे देती है कार। तो कुछ इस टाइप से गेट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से वही पूरा गेट, यानी कि पीछे के जो दो गेट हैं बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अंदर बैठ के देखेंगे तो कुछ स्पेस, लेग रूम इस टाइप से आपको दिखाई देगा, काफ़ी है। यहीं पर केबिन को देखते हैं तो यहाँ पर हैंडल मिल जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो इधर की साइड में भी हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर डैशबोर्ड लगाना पड़ेगा पीछे। यहाँ पर आपको छोटे छोटे पीछे वाली सीटों पर आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें PS सिस्टम मिल जाता है, सेंटर लॉक, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, दो एयरबैग मिलते हैं, डे नाइट वाला मिरर मिलता है, रियर सीट बेल्ट मिलती है और सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन मिलता है, एडजस्टेबल सीटें, टायर प्रेशर मॉनिटर, क्रश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कंट्रोल और इसमें रियर कैमरा मिलता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, स्पीड अलर्ट का ऑप्शन मिलता है और स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक जैसे सिस्टम इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और पीछे करते हैं ओपन, ओपन करने पर डोर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर आप मैनुअल तरीके से ही मिरर को अप डाउन कर सकते हैं, जो पावर विंडो का मिरर है। और यहाँ पर बोतल होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलता, स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे वाली जो सीटें हैं तो इनको यहाँ पर आप फोल्ड कर सकते हैं, सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। अंदर बैठ के देखेंगे तो कुछ यहाँ पर जो है एसी वेंट तो पीछे मिलता नहीं है, तो ये सारा सिस्टम मिलता है, केबिन कुछ ऐसा दिखता है। और सेफ्टी फीचर की बात करें तो ABS सिस्टम, सेंटर लॉक, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, दो एयरबैग पैसेंजर और ड्राइवर मिलते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल सीटें हैं जो मैंने आपको दिखाया फ्रंट में, क्रश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स यहाँ इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं सेफ्टी के नाम पर। और यहीं पर फ्रंट डैशबोर्ड का पूरा लुक काफ़ी अच्छा आता है और पीछे भी आपको यहाँ पर पकड़ कर बैठने के लिए हैंडल मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। और सीट बेल्ट का तो सब जगह ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ये सेफ्टी के लिए काफ़ी बेटर भी है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर 27 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा, माइलेज देती है 24.39 किलोमीटर पर लीटर का एरिया माइलेज है और BS6 इंजन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लुक आता है बैक साइड से भी देखने पर। तो पीछे के मिरर पर आपको डिफोगर का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर लाइट मिल जाएगी और यहाँ पर वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता। सुजुकी का लोगो है और यहाँ पर अल्टो K10 कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। और बूट स्पेस इस कार के अंदर आपको 214 लीटर का मिलेगा। लाइट प्रोफाइल कुछ ऐसी है, इंडिकेटर मिल जाता है, एक लैंप मिल जाता है छोटा और जो बैक गेट डालने पर लाइट फेंकता है बैक लाइट। और पीछे का प्रीमियम लुक आता है यहाँ पर। और इस कार के अंदर रियर पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन इस कार में मिल जाता है। पीछे का जो आप देख रहे हैं ये डुअल टोन में पूरा बम्पर दिखाई देगा, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा लुक आता है पीछे से। और यहाँ पर देखते हैं तो टायरों के ऊपर ये आपको ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई है जिससे कि कोई कलर ख़राब ना हो। और यहाँ पर देखते हैं तो गेट कुछ ऐसा दिखाई देता है बैक, यहाँ पर अनलॉक लॉक करने का सिस्टम और यहीं से आप मैनुअल तरीके से विंडो को अप डाउन कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिलेगी। नीचे की साइड में कारपेट भी आपको डुअल टोन में ही देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। और जो इसके बैक टायर हैं उनके अंदर ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद मैं आगे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सब डुअल टोन में सारा वर्क
ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा, और जो कारपेट पड़ी हुई है वो भी आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिलेंगी। ये काफी अच्छा है। इंजन की बात करें तो इंजन टाइप इसके अंदर 1.0 लीटर SCE वाला 999 सीसी में मिलता है, जो मैक्सिमम पावर 67.66 BHP पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क 91 Nm पावर जनरेट करता है 4250 RPM पर। तीन सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में है। और बोनेट को कर लेते हैं ओपन, तो इंजन इसके अंदर आपको K10C 998 cc वाला मिलता है, मैक्सिमम पावर 65.71 BHP पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर, और टॉर्क 89 Nm पावर जनरेट करता है 3500 RPM पर। तीन सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको मिलेगा, और इसको करते हैं बंद जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में है। वहीं पर इस मॉडल की बात करें क्विट क्लैम्बर की, तो इसकी एक शोरूम कीमत 5,88,000 रुपये के समथिंग देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इस कार के एक शोरूम प्राइस आपको 5,33,000 रुपये के समथिंग देखने को मिलेंगे। और यहीं पर देखा जाए तो इस कार की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, और जो ऑन रोड प्राइस होंगे वो आपको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है इंश्योरेंस और जो कार के पेपर बनते हैं वो देना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।